GMS World School is visioned for a world-class education. नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट। अब खबर विस्तार से। हापुड़ में दिल्ली रोड स्थित SSV डिग्री कॉलेज में लगे 7 दिवसीय NSS के शिविर का हुआ समापन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के SSV डिग्री कॉलेज के प्रांगण में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का शुभारंभ 21 मार्च 2024 को हुआ था। शिविर में कॉलेज की चारों इकाइयों में के NSS के छात्र छात्राओं ने शिविर के समापन पर रंगोली बनाई व कॉलेज के मैदान में साफ सफाई कर श्रमदान किया। सुनते हैं NSS के प्रथम इकाई के छात्र विशाल सैनी को। SSV कॉलेज में क्या कराया गया? हमने NSS कैंप किया था, जिससे हमें जो नई नई योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा लागू हुई है वो हमें पता चली है। हमने सर्वे किया है, सर्वे में उन सभी का बयान किया है, सभी को समझाया है कि वोट देने का अधिकार वगैरह जो बताया था उसके बारे में, और मतदान साफ सफाई के बारे में कि अपने विशेष सफाई करने चाहिए आसपास के एरिया में, और ब्लड डोनेशन का भी था, रक्तदान का, मतदाता दिवस का था, और यहाँ कार्यक्रम हुए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह। मतलब हमें आगे मोटिवेट हुआ था कि नई नई आगे अपनी लाइफ कैसे करनी चाहिए। आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगा आपको? आज रंगोली मेकिंग था, जिसमें आज सभी छात्रों ने रंगोली कॉम्पिटिशन में भाग लिया था और रंगोलियाँ बनाई थी विशेष। प्रथम इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर जी के शर्मा ने शिविर में छात्र छात्रों को बताया कि अपनी विश्वविद्यालय की परीक्षा में एक लक्ष्य बनाकर तैयारी करना और जो कि लक्ष्य पूर्ण हो जाए। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वितीय इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने मतदान सफाई पर जोर दिया। वह कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षा NSS के पूर्ण समापन पर छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने पर जोर दिया। और अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना SSV डिग्री कॉलेज की प्रथम इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर जी के शर्मा को, उनका क्या कहना है शिविर के समापन पर। बच्चे जो थे जो कैंप लगाए, किस चीज़ का कैंप लगा और क्या शिक्षा दी गई ना? ये NSS का कैंप लगा था, और NSS का है कि हर शहर, हर गरीब बस्तियों में जाना और उनका सर्वेक्षण करना, सफाई मुख्य लक्ष्य होता है, शासन करने के। तो इन बच्चों को क्या क्या सिखाया गया, कितने दिन का लगाया कैंप? ये 7 दिन का कैंप लगा, 21 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आज समाप्त हो गया। और 7 दिन में हमने रंगोली का प्रोग्राम है, सफाई व्यवस्था है, और जगह जगह हमने सर्वेक्षण किया, मतदाता सर्वेक्षण भी किया है, कौन कितना है ये। तो आप अपने स्वयं से क्या कहना चाहेंगे? स्वयं में सर, जो सरकार की योजनाएं NSS में बहुत अच्छा विकास कर रही है। NSS से बच्चों को अनुशासन मिलता है, ट्रैफिक का नियम, एक ट्रैफिक आए थे उन्होंने भी दिया था, यातायात व्यवस्था बड़ी सही चलनी चाहिए, अपनी साइड पर चलना चाहिए, बच्चों को कुछ ना कुछ हर एक लोगों ने ज्ञान दिया। RTO महोदय आए थे, उन्होंने भी ट्रैफिक का दिया कि भाई ट्रैफिक रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो छात्र छात्राएँ NSS लेते हैं, उन्हें आगे चल के क्या लाभ मिलता है इससे? उन्हें आगे चल के जैसे PG में है, BEd में है, और कोई इससे UG से ऊपर कोई एडमिशन लेते हैं तो उन्हें 3% बेनिफिट मिलता है, 3% इंक्रीज होते हैं। अच्छा, और जो ज़्यादा चलते हैं तो उन्हें ऊपर NSS टॉप में जैसे लखनऊ है, उन्हें NSS सरकार इनाम भी देती है, पुरस्कार भी करती है। जो गणतंत्र दिवस है, परेड पर NSS के छात्र छात्र जाते हैं, वो किस आधार पर जाते हैं, कैसे जाते हैं वो? जैसे यहाँ से सेलेक्ट हुए तो वो
कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर नवीन चंद्र सिंह ने चारों इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारी व छात्र छात्रा को एनएसएस के 7 दिवसीय कार्यक्रम समापन पर आशीर्वाद दिया। एनएसएस के सहायक धर्मेंद्र कुमार व मांगेराम सेवा शर्मा ने कार्यक्रम में पूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम का समापन एनएसएस के लक्ष्य गीत गाकर किया। हापुड़ से टीसी फास्ट न्यूज के लिए बलविंदर सिंह की खास रिपोर्ट। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एटीसी फास्ट।